अंत में आपके साथ एक्सरसाइज टू पर डिस्कशन कर रहा था, उसमें मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर वन को मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री, मेथड फोर, कई सारे मेथड से डिस्कस करने लगा था। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर फोर तक डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद मैं करना स्टार्ट करता हूँ। बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें आपको रेंज निकालनी है जैसा कि एक्सरसाइज में कहा गया है। लेकिन मैं बच्चों पहले इसकी डोमेन निकालूंगा हर क्वेश्चन की तरह, फिर मैं इसकी रेंज के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि बच्चों आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, अगर आपने ये कह दिया तो आप गलत साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ऑल रियल नंबर्स होती तो अगर हम इसमें एक्स की जगह -5 पुट कर देंगे तो दूसरा वाला स्क्वायर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए पहले बच्चों आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी डोमेन, उसी डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसकी क्या निकालेंगे, रेंज। क्या बात समझ में आई? ऐसा करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसकी डोमेन, डोमेन निकालने के लिए बच्चों आपको मैंने एलजेब्रा ऑफ फंक्शन में बताया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, तो आप क्या करते हैं, पहले इस वाले फंक्शन की डोमेन निकालते हैं, इस वाले फंक्शन की डोमेन निकालते हैं और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आपके पास उस फाइनल बड़े वाले फंक्शन की डोमेन निकल करके आ जाती है। अब बच्चों ये डोमेन में तो निकालना आपके बाएं हाथ का काम है, पहले वाले फंक्शन की जब आप डोमेन निकालेंगे तो उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब एक्स क्या आ गया, -∞ से 6। फिर हम क्या करेंगे, एक्स -4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स बिलोंग टू 4 से इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम क्या करेंगे, हम वो वाले एक्स लेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने लिया है 4, क्या लिखा, 4 से लेकर के इन्फिनिटी। दूसरा क्या है, -∞ से 6। क्या बात समझ में? तो बच्चों कॉमन रीजन नजर आ गया तो उसकी हम डोमेन लिख देते हैं, डोमेन का मतलब एक्स कहां से कहां आ गया, फोर टू सिक्स, ये बच्चों निकल के आ गया। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है तो, लेकिन इस क्वेश्चन की आपको रेंज तभी निकालनी है जब एक्स क्या है, 4 से 6। क्या बात समझ में आ गई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, 4 से 6। ठीक है, चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन की रेंज निकालना चाहते, यानी कि जब हम x की वैल्यू 4 से लेकर 6 तक पुट करेंगे तो इसमें y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, उसी को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स की जगह y लिख देते हैं। तो तुम कहोगे सर किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी हो तो हम एंड पॉइंट्स पे तो उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे निकालेंगे, साथ में सर हो सकता है 4 से 6 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो जहां उस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो या सबसे ज्यादा मिनिमम, तो वो पॉइंट कैसे पता करेंगे, वो पॉइंट पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा आदर्श हो सकता है यहां से आपको समझ में आना बंद हो जाए, लेकिन रोहिणीश को पूरा समझ में आएगा क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए तो डी वाई बाय डी एक्स हम इसका निकालते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इतना आपको बताया गया जो फिजिक्स में होता था, अगर आप उसको यूज कर सकते हैं चेन रूल वगैरह तो आप बिल्कुल यूज करिए। हाँ, तो रूट यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट यू का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √u, और जिसको यू माना था उसका फिर से करेंगे तो 6 का 0 हो जाएगा और -x का -1 हो जाएगा। अगेन रूट यू का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √u, और जिसको यू माना था उसका फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। क्या ये आपको आता है? यस, चेन रूल होता है। तो बच्चों डीवाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, अब हम उसको सजा लेते हैं बढ़िया से। तो ये हो जाएगा -1/2 × रूट के अंदर 6 - x +1/2 × रूट के अंदर x - 4। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये हो गया 1/2 × 1/√x - 4 -1/√x - x। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों आपको सिखाया गया है किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऑप्टेन करने के लिए हम डी बाई डी एक्स को 0 कर देते हैं। जैसे ही बच्चों हम इसको 0 करेंगे तो 0 करने पर आपके पास आ जाएगा 1/√x - 4 = 1/√x - x। इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो x - 4 = 6 - x आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां से आ जाएगा 2x = 10, इसका मतलब x = 5 आ गया। तो बच्चों क्या x = 5 इसकी डोमेन में आता है 4 से 6 के बीच में? आता है। Yes. इसका मतलब x = 5 पे कुछ होने वाला है,
या तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। अब क्या देने वाला है, इसके लिए हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, यानी कि हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच्चों कहां से निकलेगा, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव तो बच्चों ये है। अब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें और दोबारा डिफ्रेंशिएट करके इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों हम बेसिकली क्या करते हैं, फंक्शंस को, क्योंकि हम तो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फंक्शंस को हम इस लेवल पे दोबारा डिफ्रेंशिएट करके उस पे एक्स की वैल्यू पुट करें, तो ये तो एक बोर्ड वाले प्रोसेस में हम चले जाएंगे जो स्कूल में किया जाता है। हमें तो एमसीक्यू गिवन है, रेंज निकालनी है, तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट तो पता पड़ गया ना, एक्स इक्वल टू फाइव। तो अब एक्स इक्वल टू फाइव पे अगर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, मैक्सिमम होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ डबल डेरिवेटिव निकालते नहीं है। लेकिन अगर प्रोसेस आप पूरा जानना चाहते हैं, जो बच्चे नए बैठे हुए उनके लिए, तो प्रोसेस ये होता है कि आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करिए, इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, यानी कि आप डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करिए और उसमें एक्स इक्वल टू फाइव पुट करिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो एक्स इक्वल टू फाइव पर फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू, याद रखिएगा। और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू फाइव पर लेस देन जीरो आ जाता है तो एक्स इक्वल टू फाइव पर फंक्शन गिव्स मैक्स वैल्यू, क्या होती है, मैक्स वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, तुमने कहा ठीक है सर समझ में आ गई, अब जो भी निकलेगी उसको हम देख लेंगे। तो फंक्शन में सर कौन कौन से एक्स है, हमने कहा बेटा एंड पॉइंट्स तो है 4 और 6 और एक 5 और आ गया, तो बेटा आप फंक्शन पूरा लिख लो क्या क्या है। तुम कहोगे सर हमारा जो फंक्शन है बेसिकली वो है रूट के अंदर 6 - x प्लस रूट के अंदर x - 4, ये है फंक्शन। तो कौन कौन से एक्स है बच्चों, एक हो गया 4, एक हो गया 5 और एक हो गया 6। तो फंक्शन की 4 पे वैल्यू निकालो, 6 - 4, 4 - 4, तो ये कितना आ गई, √2। अब फंक्शन की 5 पे वैल्यू निकालो, √6 - 5, रूट के अंदर 5 - 4, 2 आ गया, 2, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों आई 1 + 1, इसका मतलब 2। अब बच्चों फंक्शन की वैल्यू क्या थी, डोमेन 4 - 6, 6 पे निकालो, तो हो गया √6 - 6 प्लस √6 - 4, दैट मींस √2। तो बच्चों √2 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, कहोगे सर 2 बड़ा होता है, तो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, √2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2, तो उसकी रेंज क्या हो गई, √2 से 2, ये बच्चों आपकी रेंज निकल कर गया। आगे रेंज समझ लो, इसको बच्चों क्या कहते हैं, रेंज, विच इज √2 से 2। समझ में कैसे किया क्वेश्चन, हो सकता है आदर्श को थोड़ा कम समझ में है लेकिन लेटर ऑन ये भी समझ जाएगा। तो जो बच्चे 11th में उनको थोड़ा सा डेरिवेटिव में आइडिया कम होगा, लेकिन फिर भी मैंने जो प्रोसेस होते हैं आपको पूरे बताए हैं, लेकिन आपको बाद में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। जब हम y इक्वल टू मानेंगे, मतलब आप रेंज वाला प्रोसेस निकालने की डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा जब y इक्वल टू करके मानेंगे तो वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, भगवान को प्राप्त करने जैसा हो जाएगा, इसलिए वहां पे फिर आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, हो नहीं पाएगा, इसलिए जैसे सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करते हैं। हाँ y इक्वल टू मान के करते जरूर है, लेकिन फंक्शन स्क्वायर रूट वगैरह में ना हो, अगर होगा तो फिर नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 9 की पावर x - 3 की पावर x + 1 + 2, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। चलिए कैसे करेंगे देखिए, तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो उसमें एक सिमेट्री बन गई है। क्या सिमेट्री है, ये है 3 की पावर x का स्क्वायर, ये है 3 की पावर x * 3 की पावर 1 + 2, ये क्वेश्चन। अब थोड़ी देर के लिए बच्चों आप क्या करिए, 3 की पावर x को t मान लीजिए, क्या मान लीजिए, t। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा y = t² - 3t + 2, और बच्चों आप बताएंगे t कहां से कहां जा रहा होगा। आदर्श को पता है कि सर ने बताया था क्लास में कि जो a की पावर x होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू होती है 0 से इंफिनिटी।
तो 3 की पावर x क्या है, 0 से इंफिनिटी, इसकी जो भी वैल्यू होगी 0 से इंफिनिटी, तो डी भी कहां से लाई करेगा, 0 से इंफिनिटी, बोलो भाई 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो आगे समझ में, तो बच्चों यहां पे टी जो बिलोंग करेगा वो कहां से बिलोंग करेगा, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई इन टर्म्स ऑफ टी, समझ में आया। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और क्वेश्चन को कंप्लीट करो। क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करोगे, कहोगे सर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम करें क्या, हमें यही नहीं समझ में आ रहा। तो हमने कहा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप इस पॉलिनोमियल को तो जानते हैं ना, आप इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं। हाँ सर, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, बिल्कुल ग्राफ बन जाएगा। सर आपने ये भी बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो वर्टेक्स होता है वो होता है -b/2a, -d/4a, तो सर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट ग्राफ की लोकेशन पता पड़ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac, तो कितना हो गया 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1। वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, -d/4a, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं क्या? नो सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ग्राफ का नेचर ओपनिंग अपवर्ड्स रखते हुए कुछ इस तरह से ग्राफ का नेचर होगा, यस सर, है ना, ओपनिंग अपवर्ड्स रखते हुए, और उसके वर्टेक्स को यहां पर हम पुट कर देते हैं। वर्टेक्स क्या है, 3/2, x इक्वल टू 3/2 पर y की वैल्यू कितनी है, -1/4। बोल भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं समझ में। तो बच्चों आप ये बताओ कि ये आपने ग्राफ किसका बनाया है, y वर्सेस t का, तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू t² - 3t+2 का अप्रोक्सीमेशन के साथ ग्राफ हमने बना लिया। अब बच्चों t इसमें क्या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, नहीं सर, t जो है 0 से इंफिनिटी, यानी t की वैल्यू कहां से पढ़ रही है, यहां से पढ़ रही है और आगे तक पढ़ रही है। तो बच्चों t की वैल्यू जब यहां से यहां पढ़ रही है तो आपको बताना है कि उस t पर इसकी रेंज क्या निकल करके आएगी। तो तुम कहोगे सर t की वैल्यू जब 0 से इंफिनिटी होगी तो उसकी रेंज जो होगी, सर यहां पे देखिए t की वैल्यू ये है, t की वैल्यू पर ये वैल्यू निकलेगी, यहां पर t की वैल्यू पे ये वैल्यू निकलेगी, यहां पर t की वैल्यू पे ये वैल्यू आएगी, यहां पर t की वैल्यू पे ये वैल्यू आएगी, आएगी ना। तो t क्या है आपका, 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इनफिनिटी जब t बढ़ता चला जाएगा तो उसमें क्या कोई मिनिमम वैल्यू किसी t पर आई है रेंज की, कहोगे सर आई तो है, वो है -1/4, t इक्वल टू 3/2 पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है -1/4, और जब सर t इनफिनिटी जाएगा तो ये ग्राफ भी बहुत ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, प्लस इनफिनिटी हो जाएगी, यानी इसकी सर रेंज हमने निकाल ली क्या है, -1/4 से इनफिनिटी। बोलो भाई ग्राफ समझ में आया, yes. ग्राफ क्या है, -1/4 से इनफिनिटी। बोलो भाई समझ में आया, yes. इसको तो सर डेरिवेटिव से भी कर सकते थे, हां डेरिवेटिव तो हमने यूज ही नहीं किया, हमने सीधा ग्राफ छोड़ा दिया। तो आपकी रेंज निकल के आ गई, क्या निकल के आई बच्चों, रेंज -1/4 से इनफिनिटी। बोलो भाई समझ में आ गया, yes. तो ये है बच्चों, ये आपका आंसर फाइनली निकल करके